अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 76। आज के इस लेसन में हम ऑफसेट फेसेस के ऊपर डिस्कस करेंगे और प्रीवियस लेसन में भी हमने फेसेस के ऊपर डिस्कस किया था, 3D मॉडलिंग में फेसेस के ऊपर। और प्रीवियस लेसन में हमने एक्सट्रूड फेसेस, उसके अलावा मूव फेसेस, टैपर फेसेस एंड कॉपी फेसेस के ऊपर डिस्कस किया था आई थिंक। तो आज के इस लेसन में हम ऑफसेट फेसेस, डिलीट फेसेस, रोटेट एंड कलर फेसेस को भी डिस्कस करेंगे और आज के इस लेसन में हमने ऑटो कैड में फेसेस का टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। ऑटो कैड ओपन हो रहा है और स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले जितने भी हमने काम किए, उम्मीद करता हूँ आपको उन सारे काम और उन सारे ट्यूटोरियल्स की समझ आई होगी। और इसके बाद वाले जो काम हम करेंगे या इसके बाद जो हम 3D मॉडलिंग करेंगे, तो वो भी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे अगर आपने पहले वाले ट्यूटोरियल्स, जो पहले वाले कमांड्स को अगर आपने याद किया हुआ या फिर अच्छी तरह से आप समझे हुए। तो उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन हो ट्यूटोरियल के लिहाज से, कोई चीज़ समझ ना आती हो, कुछ और पूछना हो, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं जो कि आप हमारी साइट के ऊपर दी हुई होगी। इसके लिए मैं अब मैं ऑटोकैड को ओपन किया, स्टार्ट किया और अब मैं काम करता हूँ जी अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। यू सी एंटर डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, ओके। यू एन एंटर इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच एंड ओके। अब काम कर रहा हूं मैं जी 3D फेसेस में। कॉपी अभी तक हमने काम कर लिया था, ऑफसेट फेसेस, डिलीट फेसेस, रोटेट एंड कलर फेसेस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ऑफसेट फेसेस क्या होता है, मैं एक रेक्टेंगल लेता हूँ या फिर मैं यहाँ से एक्सट्रूड सॉरी बॉक्स लेता हूँ और बॉक्स को मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ओके। और यहाँ से मैं 2D वायर फ्रेम में जाके तो मैं शेडेड ग्रे पे क्लिक करता हूँ, ओके। अब मैंने जो काम करना है वो करना है जी, मैंने ऑफसेट फेसेस, ऑफसेट फेसेस के क्लिक किया मैंने, तो फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फ्रंट वाले को मैं सिलेक्ट किया। अब नीचे देखें वही कमांड यूज़ हो रही है जो प्रीवियस लेसन में हमने देखी थी, रिमूव का क्या फंक्शन है, आप रिमूव करना चाहें, अनडू, आप स्टेप पीछे जाना चाहें और आल, सारे के सारे फेसेस को सिलेक्ट करना चाहें तो आल आप यूज़ कर सकते हैं। फेसेस को मैंने सिलेक्ट किया और मैं स्पेस प्रेस करता हूँ। अब मुझसे कह रहा है स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस, कितना ऑफ डिस्टेंस कितना होना चाहिए ऑफसेट का। तो उसके लिए आप एक तो यहां से क्लिक करें, आगे जहां पे लेके आते हैं वहां तक आप क्लिक करें, तो ये देखें इतने ऑफसेट पे हमारे पास ऑफसेट इसका आ गया ऑब्जेक्ट का। उसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप जब स्पेसिफाई ऑफसेट कह रहे हैं तो आपने ऑफसेट देना है अपने ऑब्जेक्ट को। तो उसके लिए मैं यहां पर क्लिक करता हूँ और स्पेस प्रेस करता हूँ, स्पेसिफाई ऑफसेट के लिए फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करके आपने ऑफसेट देना है। मैं इसको ऑफसेट देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 1 फीट, इसको मैं ऑफसेट देता हूँ, ओके। तो मेरे पास ये 1 फीट के ऑफसेट पे हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। और यही काम आपने जो है तो टॉप पे भी कर सकते हैं। तो जब लास्ट में आप जब कमांड अप्लाई करते हैं, आप 2 बार स्पेस या 2 बार एंटर प्रेस कीजिए ताकि वो 3D कमांड से या आपके सॉलिडेटेन से बाहर निकलने के लिए डबल स्पेस आपने करना होता है। नेक्स्ट जो काम मैं करूंगा वो नेक्स्ट टाइम है यहाँ पे ऊपर, इसको भी मैं फॉर एग्जांपल ऑफसेट देना चाह रहा हूँ, फेसेस को सिलेक्ट किया, दूसरा मैं इस फेसेस को भी सिलेक्ट करता हूँ, दोनों फेसेस को सिलेक्ट करके मैं इनको स्पेस प्रेस करता हूँ और इनको मैं ऑफसेट देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल दोनों को ऑफसेट देता हूँ मैं 2 फुट के फासले में चाहता हूँ जी, फॉर एग्जाम्पल 6 इंचज़ के फासले पर ये ऑफसेट हो जाए। क्लिक करें तो दोनों साइडों से देखें इसका ऑफसेट 6 इंचेस हमारे पास बढ़ गया। तो ये काम होता है जी आपका फेसेस पे ऑफसेट का। अब एक और काम मैं करता हूँ कि मैं देखता हूँ फेसेस के लिए मैं यहाँ पे फेस क्रिएट करता हूँ। तो फेस क्रिएट करने का जो तरीका है वो क्या है कि मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, टॉप से रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ एक में, ओके। और अब मैं इस रेक्टेंगल को इसके ऊपर ओवर प्रिंट करता हूँ। तो ओवर प्रिंट के लिए जो कमांड यूज़ होती है एम प्रिंट के लिए, सॉरी, तो वो मैंने आपको बताई थी। एम प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ जिसको मैंने इसके ऊपर प्रिंट करना है, सिलेक्ट किया, स्पेस प्रेस कर दिया। और अब मेरे ख्याल से हुआ भी है कि नहीं तो मैं देखता हूँ यहाँ पे,
नहीं हुआ क्योंकि इसने मुझसे ऑफसेट मांगा ही नहीं था, तो उसके लिए मैं यहाँ से 2D वायरफ्रेम पे क्लिक करता हूँ ताकि मैं इजीली इस पे काम कर सकूँ। और अब मैं यहाँ पे इस कमांड के उसके ऊपर ओवर प्रिंट करना चाह रहा हूँ, तो ओवर प्रिंट के लिए मैं ओवर प्रिंट पे क्लिक करता हूँ, एम प्रिंट पे सॉरी, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ अपने, एम प्रिंट कमांड को भी सिलेक्ट करता हूँ, और कह रहा है डिलीट द सोर्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को अब डिलीट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हमें येस प्रेस करना है। अगर मैं नो करता हूँ तो मेरे पास ये वाला ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे रहेगा और इम्प्रिंट वाला ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे रहेगा, दोनों ऑब्जेक्ट मेरे पास रहेंगे। तो ऑब्वियसली मैंने जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, जो इसका अपना ये रेक्टेंगल जो ऑब्जेक्ट है जो इम्प्रिंट नहीं हुआ हुआ, तो उसको फिर अलग से डिलीट करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये पहले अभी डिलीट हो जाए, तो उसके लिए मैं येस करता हूँ, वाई एंटर करता हूँ। ओके, अब मेरे पास एक फेस बन गया है। अब इस फेस को मैंने जो है तो मैं ऑफसेट लेना चाह रहा हूँ, तो देखता हूँ कि इस पे काम होगा कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ से शेडेड ऑफ ग्रे पे मैं क्लिक करता हूँ, और ऑफसेट के लिए मैं यहाँ पे ऑफसेट फेसेस पे क्लिक करता हूँ। ये वाला फेस है, इस फेस को मैंने ऑफसेट करना है, स्पेस पेस करता हूँ। कितना ऑफसेट लेना लेना है जी, मैंने इसको ऑफसेट देना है, मैं फॉर एग्जाम्पल 1 फिट ऑफसेट देना है मैंने। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऑफसेट पे हमारे पास फेस ऑफसेट में आगे, शिफ्ट को प्रेस करके मैं इसको मूव करके आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं मेरे पास। ओके, तो ये था ऑफसेट की कमांड। अब नेक्स्ट जो है वो फेसेस कलर, फेस कलर भी है और इसके अलावा भी और कमांड है, उनके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको दोबारा अपनी ओरिजिन पोजीशन में लेके जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ओरिजिन पोजीशन में चला गया, ओरिजिनल पोजीशन में चला गया। और अब मैंने जो काम करना है वो मैंने करना है डिलीट फेसेस। तो डिलीट फेस के लिए मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, मैंने ये वाला फेसेस डिलीट करना चाह रहा हूँ, टॉप वाला फेसेस। तो डिलीट के लिए सेलेक्ट किया, स्पेस प्रेस करता हूँ, फिर स्पेस प्रेस करता हूँ, फिर स्पेस प्रेस करता हूँ, तो मेरा ये फ्रंट से फेस क्या हो गया, डिलीट हो गया है। अब जब देखिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मेरा फेस क्या हो जाता है, डिलीट हो गया है। तो आपको सही नज़र तो नहीं आ रहा होगा कि डिलीट हुआ भी है कि नहीं, क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड में आपका अंदर से नज़र नहीं आता कि फेस डिलीट हुआ है कि नहीं। तो जब हम इस पर काम करेंगे, जब हम इस पर स्लाइस टूल तो हमने अप्लाई किया, जब इस पर हम नेक्स्ट टूल जो शेल टूल यूज़ करेंगे, तो तब आपको दोबारा मैं एक कमांड करा के बताऊंगा कि अंदर से फेस इसका डिलीट हुआ है कि नहीं, क्योंकि जब ऊपर वाला फेस डिलीट होगा तो अंदर से होल बिल्कुल खोखला बच जाएगा यहाँ पे। तो ये डिलीट फेसेस का फंक्शन है। नेक्स्ट जो कमांड है वो आपके पास है जी, इससे आप फेसेस को डिलीट कर सकते हैं। फ्रंट वाला फेस को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो फ्रंट वाला फेस मुझसे डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है मेरे पास रोटेट फेसेस, और ये भी बहुत ज़बरदस्त कमांड है। इसके लिए आप रोटेट करते हैं किसी भी फेस को, तो रोटेट कर सकते हैं। तो रोटेट फेसेस पे मैंने क्लिक किया, मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ, ऑब्जेक्ट्स को आपको देखिए यहाँ पे कह रहा है स्पेसिफाई एन एक्सेस पॉइंट। तो मैं इसको देता हूँ, ये हमारे पास देखिए एक्स एक्सेस है, यहाँ से इस साइड पे वाई एक्सेस है, ऊपर वाला जेड एक्सेस है। मैं यहाँ पे इसको इस एक्सेस पे लेके जाता हूँ, इस एक्सेस में चाहता हूँ ये रोटेट हो। कितना रोटेट हो उसके लिए एंगल मांग रहा है, तो एंगल में चाहता हूँ रोटेशन 45 के एंगल पे रोटेट हो जाए। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे एक्स एक्सेस में 45 के एंगल पे मेरा ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया है। और इसको देखने के लिए आप देखें यहाँ पे, देखें जरा, तो ये यहाँ जमीन से यहाँ तक इसके जो फासला है वो 45 एंगल है, देख सकते हैं। और ये मैं आपको कोशिश करता हूँ कि दिखा भी दूँ 45 है भी कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टॉप पे क्लिक करता हूँ, बॉटम है, ओके, यहाँ पे अब मैं देखता हूँ, एंटर करता हूँ F8, एंटर, और अब मैं देखता हूँ इसको ऑफसेट कितना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे पैरामेट्रिक्स मैंने एनवर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे इसकी डायमेंशन और यहाँ पे एंगुलर डायमेंशन लेता हूँ इसकी, यस। तो 45 के एंगल पे हमारे पास ऑब्जेक्ट रोटेट हुआ, आप देख सकते हैं।
ओके, तो हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट रोटेट हुए। तो ये जी हमने रोटेशन भी मेजर कर ली कि रोटेट हम किस तरह कर सकते हैं 3D ऑब्जेक्ट को, और आपने एक और तरीका भी सीख लिया ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट को रोटेट करने का और रोटेशन को चेक करने का कि आपका ऑब्जेक्ट किस तरह पता चलेगा कि 3D रोटेट हुआ है कि नहीं, तो वो भी आपने यहाँ से सीख लिया। तो अब मैं दोबारा अपने ओरिजिन पॉइंट में लेके जाता हूँ इसको, ओके, और यहाँ से कस्टम व्यू की जगह मैं इस पर क्लिक करता हूँ और एस डब्ल्यू आइसोमेट्रिक पे क्लिक करता हूँ। तो ये था जी आपका ऑब्जेक्ट में आपने रोटेशन किस तरह देते हैं। ओके, तो ये था जी हमारा ऑब्जेक्ट में रोटेशन देने का तरीका। अब नेक्स्ट जो काम करते हैं हम, और नेक्स्ट के लिए मैं होम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से लेफ्ट साइड पे आप वर्ड को सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करके आप इस ओरिजिन पॉइंट में लेके जाएं। तो ये देखिए वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास आ गया। नेक्स्ट जो काम है वो है जी आपका, ऑफसेट फेसेस भी हो गया, रोटेट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, और अब है कलर फेसेस। तो कलर फेसेस, आप किसी फेस के ऊपर कलर देना चाहें तो आप उसके लिए कलर फेसेस की कमांड यूज करेंगे। मैंने इस फ्रंट फेस पे मैं कलर देना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कलर फेस कलर कमांड यूज करूंगा, कलर फेसेस, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट को फेस फेस करता हूँ, कलर को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, फेस फेस कलर नजर नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे कंसेप्चुअल कलर पे क्लिक करें तो आपको ऑब्जेक्ट को जो कलर है वो आपको नजर आ रहा होगा। फिर भी नजर नहीं आ रहा तो इसमें लाइट का जो फर्क है उस वजह से नहीं नजर आ रहा, तो आप यहाँ पे जाके 2D वायर फ्रेम में जाके देखें तो आपका कलर बिल्कुल जो हमने कलर दिया है वही कलर है, आपको देख सकते हैं यहाँ पे। ओके, और इलास्टिक व्हील देखता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे बस जो कलर मैंने दिया था वही कलर है, देख सकते हैं। तो आज का लेसन कंप्लीट हुआ और उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और इन टॉपिक्स पे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका आपको ये 3D सॉलिड एडिटिंग पे काम करना आ जाए। मॉडलिंग भी हम कर चुके हैं, हम मैश भी कर चुके हैं, सॉलिड एडिटिंग भी कर चुके हैं, और ये सॉलिड एडिटिंग में कल मेन अब जो नेक्स्ट लेसन होगा वो इनके ऊपर होगा, और इंशाल्लाह वो भी आप अच्छी तरह से कर लेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा, खुदा हाफिज़।